भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्रह। सब्सक्राइब करें भक्ति कथा। कुमार कार्तिकेय की जय। पार्वती नंदन कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। सम्राट अशुराज तारकासुर की जय। तीनों लोकों के स्वामी तारकासुर की जय। स्वयंभू सम्राट अशुराज तारकासुर की जय। हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है शिवगणों। शिव पुत्र हमें दे दो, हम तुम्हें जीवन दान देंगे। हमें जीवन दान देने वाले महामूर्ख, तनिक तू अपने जीवन की चिंता कर। इस पालकी में ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तेरा काल शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय तुझे दिखता नहीं। क्या समय से पूर्व अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है तारकासुर, जा लौट जा। ऐसे निरस्थान पर मैं ठहरने का भी इच्छुक नहीं। शिव पुत्र हमें दे दे, हम यहाँ से चले जाएंगे। असंभव। वो अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर रहा है। स्वयंभू तारकासुर का क्रोध तुझे क्षण मात्र में भस्म कर देगा। परम देव श्री महागणेश भगवान भोलेनाथ के हाथों बार बार प्रताड़ित और अपमानित होने के बाद भी तुझे लज्जा नहीं आती? स्वयंभू, यदि तू अपना अपमान कराने का इच्छुक नहीं है तो जा लौट जा। जय श्री महागणेश। देखते क्या हो असुर वीरों, इन मूढ़ बुद्धि शिव गणों से शिव पुत्र को छीन लो। आप इसी समय कुमार कार्तिकेय को लेकर कैलाश जाएं। भोलेश्वर शिव और माता पार्वती व्यग्रता से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा परम देव श्री महागणेश। श्री महागणेश तथा कुमार कार्तिकेय की जय। परम देव श्री महागणेश तथा कुमार कार्तिकेय की जय। परम देव श्री महागणेश कुमार कार्तिकेय की जय। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के कैलाश सुरक्षित पहुंचने की सूचना सबसे पहले मुझे देवराज इंद्र को सुनानी होगी। नारायण नारायण। ना तो शिवपुत्र जन्म लेगा, ना ही तारकासुर का अंत होगा। हम यूं ही वन वन भटकते रहेंगे। स्वामी धैर्य रखे। स्वामी परम देव श्री महागणेश की कृपा से तारकासुर का अंत अवश्य होगा। नहीं देवी सची नहीं, तारकासुर का अंत अब नहीं होगा और ना ही शिव पुत्र जन्म लेगा। शिव तो असुरों के आराध्य हैं और वे कभी भी असुरों के सर्वनाश की भूमिका के सूत्रधार नहीं बनेंगे। देवराज आप अपने स्वार्थ के लिए देवाधिदेव महादेव शिव पर आरोप लगा रहे हैं। मर्यादा को लांघने का दुस्साहस न करें अग्निदेव, और ये न भूलें कि इस समय आप
इंद्र के सम्मुख खड़े हैं। नहीं देवराज, अग्नि कभी भी अपना कर्तव्य नहीं भूलती, किंतु हर एक को भयभीत करने के लिए अपने ताप का अनुभव अवश्य करवाती है। ताप तो अग्नि का स्वभाव है देवराज, किंतु किसी भी परिस्थिति में अग्नि अपना स्वभाव नहीं बदलती। हम भी अपना स्वभाव कभी नहीं बदलते। जान सकता हूँ कि देवाधिदेव महादेव शिव को असुरों का हितैषी बताते समय आपने अपने किस स्वभाव का परिचय दिया था? अग्निदेव, आप उत्तेजित न हो देवराज। आप अपनी मर्यादा की सीमाएं लांघते रहे और हम उत्तेजित भी न हो, ऐसा प्रतीत होता है अग्निदेव कि आपको देवराज इंद्र से बात करने की शिक्षा पुनः प्राप्त करनी होगी। देवराज, आप मेरे धैर्य की अनुचित परीक्षा ले रहे हैं। अग्नि एक आज्ञाकारी सेवक किंतु क्रूर शासक होती है। आप मुझे क्रूरता के लिए विवश ना करें। भगवान शिव पर आरोप लगाकर मर्यादाओं की सीमा को लांघने का दुस्साहस तो आपने किया है। अग्निदेव, इंद्र का क्रोध संसार से अग्नि का अस्तित्व नष्ट कर देगा। देखता हूँ तुम्हारी रक्षा करने यहाँ कौन आता है। स्वामी शांत हो जाइए, स्वामी शांत हो जाइए। ये समय आपसी वाद विवाद का नहीं है। हम एकता और एकजुटता से दुष्ट तारकासुर को पराजित कर सकते हैं। तुम बीच में ना पड़ो महारानी। देवराज इंद्र का अपमान करने वाले इस अग्नि को मेरे भयानक क्रोध का सामना करना ही पड़ेगा। और रही बात तारकासुर की, उसे तो हम अपने पराक्रम से परास्त कर देंगे। देवता अब दैत्यों के आराध्य शिव के आश्रित नहीं रह सकते। स्वामी, चकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है महारानी। शिव पुत्र का प्रलोभन दिखाकर शिव हमारे साथ छल कर रहे हैं, किंतु इसका परिणाम उनके हित में ना होगा। अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण रखें देवराज। अब मैं शिव निंदा का एक भी शब्द नहीं सुन सकता। एक शब्द भी नहीं सुन सकते। अग्निदेव। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। शांत हो जाओ देवगण, शांत हो जाओ। देवगण, आज आपको इस प्रकार द्वंद करते देख सदा प्रसन्नचित रहने वाले नारद का मन भी खिन्न हो गया। तनिक लज्जा का अनुभव करें देवराज। आप अपने अहंकार के वशीभूत होकर देवाधिदेव महादेव पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। नारायण नारायण। देवराज, यदि आप इतने ही सत्यवचनी होते तो आज तारकासुर के कारण आपको ये भयानक दुर्दशा के दिन नहीं देखने पड़ते। देवर्षि। देवराज, आपने अपने माता पिता से कुछ तो शिक्षा संस्कार प्राप्त किए होते। आपने देवाधिदेव महादेव पर आरोप लगाकर कैलाश पर जाने का अधिकार खो दिया। नारायण नारायण। देवताओं के संकट के अंत की मैं जो शुभ सूचना लेकर यहाँ आया था, ऐसा प्रतीत होता है कि उससे भी देवताओं का कुछ भला नहीं होगा। संकट की इस घड़ी में हमें आपका ही आश्रय है देवर्षि। देवर्षि, आपकी उपस्थिति सदा कल्याण और मंगल की प्रतीक मानी जाती है। कृपया बताएं, देवताओं के संकटों के अंत का आप क्या संकेत कर रहे थे? देवर्षि, देवराज इंद्र की उत्तेजना को अन्यथा ना ले। वास्तव में तारकासुर के भयानक अत्याचारों ने हम सबको भ्रमित कर दिया है। हमें क्षमा करें देवर्षि, हमें क्षमा करें। स्वर्ग संकट के अंत का उपाय बताएं। देवर्षि, जब तक आप हमें और देवराज को क्षमा नहीं करेंगे, हम आपके चरण इसी प्रकार पकड़े रहेंगे। नारायण नारायण। देवराज, हमारे क्षमा करने के पश्चात भी आप कैलाश लोक में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। भगवान शिव का अपमान करने के कारण अब आप किसी भी दिव्य लोक में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। स्वामी, अपनी उत्तेजना की क्षमा याचना करें। मुझे क्षमा करें देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज, आप क्यों समझ नहीं रहे हैं? हमारे क्षमा करने के पश्चात भी आप अपने भयंकर पापों से मुक्त नहीं हो सकते। कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा। आप हमारा मार्गदर्शन करें देवर्षि। नारायण नारायण। हाँ, एक उपाय है। देवराज, यदि आप अपने पिता ऋषि कश्यप के आश्रम में जाकर निरंतर शिव आराधना करें तो आपको अपने इस भयंकर पाप से मुक्ति मिल सकती है। नारायण नारायण। और देवगण, आप मेरे साथ आएं और कैलाश लोक चलें।
कैलाश? कैलाश क्यों देवर्षि? नारायण नारायण, श्री महागणेश की लीला और देवाधिदेव महादेव की कृपा से तार का सुर का अंत करने वाला शिवपुत्र कुमार कार्तिकी अपनी आयु के 10 गुप्त वर्ष कृतिकाओं के नक्षत्र लोक में बिताकर खुशी क्षणों में नंदी एवं शिवगणों के साथ कैलाश लोक पहुंचने वाला है। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। नारायण नारायण, देवाधिदेव महादेव का अपमान करने के कारण देवराज इंद्र तो कैलाश जा नहीं सकते, अतः आप देवगण मेरे साथ कैलाश लोक चलकर भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती से तार का सुर की दुष्टता के अंत की प्रार्थना करें। मेरे लिए क्या आज्ञा है देवर्षि? देवी शची, पति का कोई भी कार्य पत्नी के सहयोग के बिना अपूर्ण रहता है, अतः मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप भी देवराज इंद्र के साथ जाकर भगवान भोलेनाथ की निरंतर आराधना करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। नारायण नारायण। स्वामी, जो कुछ भी हुआ उस पर शोक न करें, अपितु पश्चाताप भाव से शीघ्र ही पिताश्री के आश्रम में चलकर भोलेनाथ को प्रसन्न करें। वो भोलेनाथ हैं, हमारे अपराधों को अवश्य शीघ्र ही क्षमा कर देंगे। आप सत्य कह रही हैं महारानी, चलें, अब विलंब करना अनुचित होगा। ॐ नमः शिवाय। पुत्र, प्रश्न जय या पराजय का नहीं है, प्रश्न नैतिकता का है। यदि तुम देवता और देवराज होकर नैतिकता का आचरण नहीं करोगे तो तुम में और असुरों में अंतर ही क्या रह जाएगा? क्षमा पिताश्री, अपनी उत्तेजना का मुझे घोर पश्चाताप है। क्षमा मुझसे नहीं, भोलेनाथ से मांगो। तुमने उनके प्रति घोर अपराध किया है पुत्र। अवश्य पिताश्री। पुत्र, कश्यप आश्रम के इस क्षेत्र में तुम्हारी विमाता दिति कभी नहीं आती। तुम निरंतर यहीं पर शिव आराधना करके महादेव शिव शंकर को प्रसन्न करो। वे आशुतोष हैं, तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। पुत्र, अपना मन शिव भक्ति में पूर्णतया समर्पित कर दो। महेश्वर की कृपा से तुम्हारे समस्त कष्टों का अंत हो जाएगा। अवश्य पिताश्री। पुत्र वधु शची, आज्ञा माताश्री। इंद्र में धैर्य की कमी है, किंतु तुम एक क्षण के लिए भी इसे भ्रमित ना होने देना। जो आज्ञा माताश्री। अब तुम दोनों देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हुए शिव आराधना का प्रारंभ करो। आओ। कार्तिकेय जी, जय। कार्तिकेय
हाँ पुत्र, मैं ही तुम्हारी अभागन माता हूँ, जिसे अपने प्रिय पुत्र का मुख 10 वर्षों के पश्चात देखने को मिला। संभवतः नियंता ने मेरे विषय में ऐसी ही नियति निश्चित की है, इस कारण आप स्वयं को दोषी न ठहराए माता। कार्तिकेय, मेरे पुत्र, माँ के निस्वार्थ प्रेम के सम्मुख पिता का प्रेम तो मात्र दिखावा है, क्या आप अपने पुत्र से मेरा परिचय नहीं करवाएंगे? पुत्र कार्तिकेय, ये तुम्हारे पिता हैं, देवाधिदेव महादेव, इन्हें प्रणाम करो पुत्र। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती तथा कुमार कार्तिकेय की।